बीते साल जून के महीने में निशा रावल और करण मेहरा की शादीशुदा जिंदगी में आए तूफान ने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। निशा ने करण पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए, करण अरेस्ट हुए। निशा ने यह भी खुलासा किया कि करण मेहरा का दिल्ली की किसी लड़की के साथ अफेयर है। बेडरूम के दरवाजे के पीछे की कई ऐसी बातें सामने आई जिसे सुनकर हर कोई दंग हो गया। अब कंगना रनौत के शो लॉकअप में निशा रावल ने कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। रविवार के एपिसोड में एलिमिनेशन से बचने के लिए एक्ट्रेस ने अपनी जिंदगी से जुड़ा एक सनसनीखेज खुलासा किया। निशा रावल ने कहा कि करण मेहरा संग शादीशुदा जिंदगी के दौरान वह गैर मर्दों के प्रति अट्रैक्ट होती थी। यही नहीं, उन्होंने एक गैर मर्द को किस भी किया था। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मिसकैरेज के बाद वह इमोशनल और मेंटल सपोर्ट ढूंढ रही थी। शो में निशा रावल को विकल्प दिया गया था कि वह गैर मर्द के बारे में खुलासा करे, जबकि मुनव्वर फारूकी को माँ के बारे में खुलासा करने की चॉइस मिली थी। शो में निशा रावल जहाँ एलिमिनेट होने से बच गई, वहीं रेसलर बबीता फोगाट लॉकअप से एलिमिनेट हो गई। उनका सफर शो में वहीं खत्म हो गया। करणवीर बोहरा को ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया गया था क्योंकि होस्ट कंगना रनौत ने उन्हें मेकर्स को दिए गए 4-5 सीक्रेट्स में से 2 को पहले ही शो में बताने पर फटकार लगाई थी। बहरहाल जब टास्क के दौरान बजर बजाने का मौका आया तो निशा ने सबसे पहले बजर दबाया। इसके बाद उन्होंने खुलासा किया, मैंने 2012 में अपने एक्स हस्बैंड करण मेहरा से शादी की थी और 2014 में मेरा मिसकैरेज हो गया। बहुत से लोग इसके बारे में जानते हैं। जब मेरा गर्भपात हुआ तब मेरा बच्चा 5 महीने का था। कई लोग ये भी जानते हैं कि मैं फिजिकली और मेंटली एक अब्यूजिव रिलेशन में थी। ऐसे में मिसकैरेज मेरे लिए किसी सदमे की तरह था। एक महिला के तौर पे मैं उस वक्त बहुत सी चीज़ों से एक साथ गुजर रही थी। उस समय मेरे साथ कई बार गाली गलौज भी किया गया। एक पब्लिक फिगर होने के नाते मैंने किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे डर था कि मेरे दोस्त और मेरी सोसाइटी मुझे जज करेगी। मुझे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं अलग तरह के ट्रॉमा से गुजर रही थी। निशा रावल ने अपने खुलासे में आगे कहा, साल 2015 की बात है, मेरे चचेरे भाई की संगीत सेरेमनी थी। मेरे साथ शारीरिक शोषण की एक बड़ी घटना हुई और मैं पूरी तरह से हिल गई थी। मैं किसी से बात करना चाहती थी, थेरेपी लेना चाहती थी। उस समय हम अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे थे। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे एक पुराने फ्रेंड से हुई। हम बड़े दिनों बाद मिले थे। मैंने उस पर विश्वास किया। मेरे एक्स हस्बैंड को पता होता था मैं उससे कब मिल रही हूँ। मैं वाकई उस दोस्त के करीब आ गई और मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी क्योंकि मुझे सपोर्ट की कमी महसूस हो रही थी। अब ऐसे में जब आपको कहीं से सपोर्ट मिलता है तो आप उसे करीब जाना चाहते हैं। उसी दौरान एक बार मैंने उस दोस्त को किस भी किया। मैंने अपने एक्स हस्बैंड के सामने इस बात को कबूल भी किया है। हम पहले से ही अलग होने की बात कर रहे थे। उस घटना के बाद मुझे लगा कि मुझे इस शादी से बाहर आ जाना चाहिए। मुझे यकीन था कि मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती और हमें अलग हो जाना चाहिए। वह मेरे लिए एक मुश्किल वक्त था। कंगना रनौत ने इस पर निशा रावल से पूछा कि क्या वह टर्निंग पॉइंट था जहां उन्हें यकीन हो गया कि अब वो शादी को बचाने की कोशिश नहीं कर सकती। इस पर निशा रावल रोने लगी। उन्होंने कहा, ऐसी बातें मन में तो आती हैं, लेकिन जब आप उस पर एक्शन लेते हैं तो आप जानते हैं कि आपके शादीशुदा रिश्ते में कुछ तो है जो अब खत्म हो गया है। कंगना रनौत इसके बाद कहती हैं कि वह कोई मैरिज एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन शादी में एक ऐसा समय आता है जहां ऐसे टेम्पिटेशन आते हैं और यह नेचुरल है। कंगना कहती है कि मुझे खुशी है कि वह आगे आकर इसके बारे में बात की। कई महिलाएं और पुरुष भी इससे सहमत होंगे। पुरुष भी अब्यूजर रिलेशन से गुजरते हैं, लेकिन वह समाज के लिए ऐसी शादी को लाश की तरह घसीटते रहते हैं। निशा रावल ने अंत में कहा, इन सब के बावजूद मैंने शादी को एक और मौका दिया क्योंकि मुझसे वादा किया गया था कि गाली गलौज दोबारा नहीं होगी। मैंने उस दोस्त के साथ रिश्ते को वहीं छोड़ दिया और अपनी शादी पर फोकस किया, लेकिन वो वादे कोरे निकले। इसके बाद आखिरकार मैंने पिछले साल अपने लिए स्टैंड लिया और उस सोशन वाले रिश्ते से अलग होने का फैसला किया। कंगना ने इसके बाद निशा से कहा कि वह यही उम्मीद करती है कि आगे निशा को फिर से प्यार मिलेगा और एक अच्छा साथी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।